स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर पढ़ा था। मिक्सचर था व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने किया था आयरन और सल्फर पाउडर को मिक्स किया, तो मिक्सचर बन गया आयरन और सल्फर का। इसी तरह से हमारे पास मिक्सचर के दो डिफरेंट टाइप। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस की बात करते हैं तो हम दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बिहाफ पे हम इसके अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर होता है शुगर सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस की बात करें तो ये आपके पास होता है सेंट इन वोटर। इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, शुगर सॉल्यूशन में आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं। शुगर सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है शुगर एंड वाटर, तो शुगर उसमें कम अमाउंट में होती है, वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है। इट मींस या यूं भी कह सकते हैं शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व की जाती है, तो जो चीज डिजोल्व की जाती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट और जिसमें डिजोल्व की जाती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व जो डिजोल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन में शुगर इन शुगर सोल्यूशन। सॉल्वेंट है द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व। जिस लिक्विड के अंदर सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वॉटर इन शुगर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंबाइन कर दें तो बनता है सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन बना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन करते तो क्या होता है सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन का अपीयरेंस कैसा है, जैसे एक तरफ हम शुगर वाटर में डिजोल्व करें और एक तरफ वाटर में सैंड को डालें तो शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी और कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद डिसअपीयर हो जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी, जबकि सैंड आपको नीचे नजर आएगी। तो इट मीन जिस होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नजर नहीं आती है, यानी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाता है, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। यानी इट इज द मिक्सचर इन विच नो सेपरेटिंग बाउंड्री आर विजिबल बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन और इसमें अगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है तो इसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इट हैज
यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जबकि बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इसमें सैंड वॉटर में नीचे बैठे हुए नजर आएगी, तो हम ये कह सकते हैं इट इज द मिक्सचर इन विच देयर आर सेपरेटिंग बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बाउंड्री नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन तो यू भी कह सकते हैं अपीयरेंस में इसमें सिंगल लेयर नजर आएगी, यानी शुगर वॉटर में मिक्स हो जाएगी तो सिंगल लेयर बन जाएगी। इसमें दो सेपरेट लेयर आपको नजर आएंगे, एक सॉल्यूट की और एक सॉल्वेंट। ये आपके पास है। अगर इसमें बात करते हैं, ये हमारे पास है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये जो आपने बात की अपीयरेंस की, इसमें सिंगल लेयर नजर आती है, इसमें टू लेयर नजर आती है, कहता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है साइज ऑफ पार्टिकल के कारण। सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज कहीं तो बहुत बड़ा होगा, कहीं बहुत छोटा होगा, जैसे कि इस केस में बड़ा और इसमें क्या है छोटा। तो इसी बिहाफ पे इसको तीन कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरी है प्यूर सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन। प्यूर सॉल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन। प्यूर सॉल्यूशन को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे। प्यूर सॉल्यूशन में आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोलोइड मिल्क, और सस्पेंशन में ले सकते हैं सैंड इनगो। ये तीनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। फर्स्ट करते हैं हम साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मींस सॉल्यूट पार्टिकल। तो पहले मैंने आपको बताया था जहां सेपरेटिंग बाउंड्री नजर नहीं आ रही है, इट मींस सॉल्यूट के पार्टिकल वेरी स्मॉल है। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज रहता है वो हमारे पास रहता है लेस देन 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को आप 1 nm भी लिख सकते हैं। ये नैनोमीटर इक्वल होता है 10^-9। इसमें बात करते हैं द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर 1 to 100 nm। इसमें होता है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मोर देन 100 nm। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया साइज। सेकेंड पार्ट हम करते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में अगर हम बात करते हैं अपीयर कैसे है, दिखता कैसे है, ये एक ही लेयर नजर आएगी तो इट अपीयर होमोजीनियस। होमोजीनियस में एक ही लेयर नजर आएगी। इसमें लेयर दो नजर आएंगी, सैंड नीचे होगी वॉटर ऊपर होगी। इट इज हेट्रोजीनियस। मिल्क की बात करते हैं, जब आप मिल्क लेते हो तो मिल्क में आपको एक लेयर नजर आती है, लेकिन एक्चुअली में उसमें दो लेयर होती है। ऊपर क्रीम होती है, नीचे होता है स्किम्ड मिल्क।
माइक्रोस्कोप से तो नजर आएगा आपको, लेकिन नेल टाइप से नजर नहीं आएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटरोजीनियस। तो होमोजीनियस नजर आता लेकिन एक्चुअल में हेटरोजीनियस अपीयरेंस कर दिया। थर्ड करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें कौन स्टेबल है कौन नहीं है, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वो होगा स्टेबल। यानी अगर आपने शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, शुगर कंप्लीटली मिक्स हो गए नीचे नहीं बैठे, तो उसको बोलेंगे स्टेबल। जबकि सेट वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएगी आपको नजर आएगी अलग से, तो जब अलग से नजर आए तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। इसमें अनस्टेबल, इसमें मोस्ट स्टेबल। इसकी बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी सॉल्यूशन से तो कम होती है लेकिन सस्पेंशन से क्या होती है ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें मोस्ट स्टेबल है तो यहां स्टेबल लिख सकते, यानी इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी। एक आता है फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी में अगर आप इसको फिल्टर पेपर से पास करते हो, जैसे शुगर सॉल्यूशन में शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, जब आप उसको पास करोगे क्या शुगर और वाटर सेपरेट हो जाएंगे? एक तरह से घरों में आप शिकंजी बनाते हो, छावनी से जब आप पास करते हो क्या शुगर सेपरेट होती है? नहीं हो सकती। तो वही कैन नॉट सेपरेट, वही कैन नॉट सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। इसको पास करो फिल्टर पेपर से तो सेंट ऊपर रह जाएगी, वाटर नीचे पास कर जाएगी। तो वही कैन सेपरेट, वी कैन सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। इसमें कर सकते हैं सेंट अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगी। इसमें छानबी से दूध को पास करो तो क्रीम सेपरेट नहीं होती है, तो इसमें भी आप नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। इसके बाद फिफ्थ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग होता है अगर लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं, आपने लाइट को पास कर दिया, अगर उसके पार्टिकल जो बीच में है वो लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं तो बीच का सारा जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है डस्ट पार्टिकल जब रूम के अंदर एंटर करते हैं और सनलाइट एंटर करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं उस सनलाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। तो लाइट आती तो एक डायरेक्शन में लेकिन पूरे रूम के अंदर सेपरेट हो जाती है। इट मींस डस्ट पार्टिकल उस लाइट को सेपरेट चारों डायरेक्शन के अंदर स्कैटर कर देते हैं। ऐसा इसमें भी करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम देखेंगे पहले ट्रू सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में। शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, स्कैटरिंग के लिए जरूरी है कि पार्टिकल का साइज या तो मीडियम हो या लार्ज हो। मीडियम बिल्कुल एग्जैक्ट साइज है जो मोस्ट लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर कर सकता है। तो हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, तो ट्रू सॉल्यूशन जो है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर नहीं कर सकता। यानी अगर आप शुगर सॉल्यूशन से एक लेजर बीम लेके पास करो तो बीच का जो रास्ता है वो विजिबल नहीं होगा, लाइट सीधी बाहर निकल जाएगी। जबकि मिल्क के केस में लाइट बीच में आपको नजर आएगी, बीकर के बीच में। इट मींस वहां लाइट स्कैटर हुई है लेकिन यहां लाइट स्कैटर नहीं हुई। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशन
कैन नॉट स्कैटर लाइट, ट्रू सॉल्यूशन नहीं कर सकता, मीडियम इट कैन स्कैटर, इट कैन स्कैटर मोस्ट ऑफ द, स्कैटर मोस्ट ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा लाइट इसी में स्कैटर है। इसमें भी स्कैटर तो होती है लेकिन इससे कम होती है, कोलोइड से कम होती है, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो स्कैटर लाइट बट लेस देन कोलोइड, कोलोइड से कम होती है। इसके अलावा कहता आप इसको कैसे देख सकते हो, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो नेक डाई से नजर नहीं आएंगे डिसॉल्व करने के बाद, जबकि यहां नेक डाई से नजर आएंगे, यानी यहां दो लेयर नजर आएंगी, यहां नेक डाई से दो लेयर नजर नहीं आएंगे। इस केस के अंदर अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो दो लेयर नजर आएंगे, यानी हाइड्रोजीनियस नजर आएगा, नेक डाई से आपको होमोजीनियस नजर आएगा। तो ये डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड suspension।